भुवन, भुवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अभूतपूर्व दुनिया, और ईश्वरी का अर्थ है उसकी स्वामिनी, यानी जो इस अभूतपूर्व संसार की स्वामिनी है वो देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। इस संदर्भ में देवी भागवत में एक कथा आती है कि एक बार कुछ देवताओं में लड़ाई हो गई और वे देवता उस युद्ध में अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे ताकि वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। तभी महाभगवती भुवनेश्वरी ने हस्तक्षेप किया और उन देवताओं को वो अपने लोक में ले गई। उन देवताओं ने वहां जाके देखा कि उन सभी देवताओं की शक्तियों का स्रोत स्वयं भगवती माता भुवनेश्वरी ही है। वे देवता किसी यंत्र चारित की भांति अपना किरदार निभा रहे थे। देवताओं को यह आभास हुआ कि वे कुछ देर के लिए मूल प्रकृति माता भुवनेश्वरी की माया से प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने देवी से क्षमा मांगी। इस प्रकार तांत्रिक शास्त्रों का दावा है कि महाविद्या भुवनेश्वरी ही वो प्रमुख शक्ति है कि जिसे पराशक्ति कहा जाता है, जो खुद को इस अभूतपूर्व विश्व के रूप में प्रकट करती है और कार्य भी वही करती है। सभी देवता और उपदेवता उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। काल के रूप में वह काली और अंतरिक्ष के रूप में माँ भुवनेश्वरी है। षोडशी बनकर वही इच्छा शक्ति है और भुवनेश्वरी बनकर ज्ञान शक्ति का रूप धारण करती है। जिस समय ये देवता अपने झगड़े में शामिल हुए उस समय उन पर अज्ञान का प्रभुत्व था और भुवनेश्वरी ने ज्ञान शक्ति के रूप में उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। देवी भागवत में इन देवताओं द्वारा देवी भुवनेश्वरी की स्तुति में गाए गए भजनों के रूप में दिए गए छंद शक्ति अद्वैत के ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। भुवनेश्वरी मौजूदा भुवनों की संप्रभुता के लिए दिव्य भगवती है, जो आत्मा के समान शाश्वती है। भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी रानी के रूप में विद्यमान रहती है। भुवनेश्वरी अपनी बनाई सृष्टि के कल्याण में रुचि रखती है और मौजूदा घटनाओं की अध्यक्षता करती है। वह घटना में पराशक्ति के रूप में व्यक्तिगत चेतना और ज्ञान शक्ति प्रकट करती है। उनका आसन इस अभूतपूर्व संसार का हृदय है। उसके बीज की ध्वनि माया के बीज की ध्वनि के समान है, इसलिए उन्हें महामाया कहा जाता है। माया एक अद्भुत शक्ति है। इसके आश्रय में आके जीव भवसागर के थपेड़े खाते रहता है। इससे बचने के लिए साधक को चाहिए कि वो माता भुवनेश्वरी की उपासना करे। भगवती की उपासना ही हर वासना पर अंकुश रख देती है और साधक को मालूम हो जाता है कि सारा संसार भगवती की क्षणभंगुर लीला मात्र है। यही ज्ञान भाव और शरीर दोनों में ही परिवर्तन लाता है। माँ भुवनेश्वरी के तंत्र का भूपुर जरद पीले रंग का है, जो कि ज्ञान का परमानंद पैदा करता है। ये हमें गहरी ध्यान की स्थिति में ले जाता है। यही संपूर्ण जागृति है। इस यंत्र में 8 पंखुड़ियों वाले कमल की गोलाकार पट्टी है, जो कि एक हल्के केसरिया रंग की है। ये दिव्य रंग ज्ञानियों, प्रेमियों और तपस्वियों का पसंदीदा रहा है। कमल के पत्र प्रतीक है योग्यता और अवगुण के, सही और गलत के बीच की आशंका के। ये प्रतीक है वैराग्य और लगाव के, महारत और गुलामी के। ये 8 विपरीत भाव जो मानव मस्तिष्क में माया की मूल विशेषताएं हैं। 8 पंखुड़ियों वाले कमल का दूसरा वृत्त हल्का पीत वर्णी है। भूपुर में सफेद रंग के स्पर्श के साथ ये 8 पंखुड़ियां प्रकृति से भी संबंधित है। इस यंत्र में अष्टदल कमल का अर्थ है 5 तत्व और 3 गुण। 2 समबाहु त्रिभुजों से बना एक हल्का बैंगनी 6 नुकीला सितारा इस यंत्र का केंद्र है, जिसके केंद्र में एक बिंदु है। वही दीप्तिमान बिंदु माता भुवनेश्वरी है। 5 तत्व, 3 गुण और भौतिक अस्तित्वों से परे होते ही साधक इस परम बिंदु यानी माँ भुवनेश्वरी की साधना में सफल हो जाता है और उस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है।